2026 में ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स से बैडमिंटन, शूटिंग, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश, टेबल टेनिस, कुश्ती, ट्रायथन और आर्चरी को बाहर कर दिया गया है। अब ग्लासगो कॉमनवेल्थ में केवल 10 इवेंट ही होंगे। इसमें एथलेटिक्स, स्विमिंग, आर्टिस्टिक, जिम्नास्टिक्स, ट्रैक, साइकिलिंग, नेटबॉल, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बाउल्स और बास्केटबॉल शामिल है। ये सभी इवेंट 4 स्थानों पर होंगे। इसके अलावा पैरा खिलाड़ियों के इवेंट होंगे। पहले ये कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में होने थे। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने आयोजन से इनकार कर दिया। इसके बाद गेम्स को ग्लासगो स्कॉटलैंड में कराने का फैसला लिया गया। हॉकी, कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग में भारत ने अब तक 286 मेडल जीते हैं, जिनमें से 149 गोल्ड मेडल शामिल हैं। बैडमिंटन में भारत ने 31 मेडल जीते, वहीं शूटिंग में भारत ने अब तक 135 मेडल अपने नाम किए। कुश्ती में भारत ने कुल मिलाकर 114 मेडल जीते हैं। मेंस हॉकी की बात करें तो भारत ने अब तक 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वहीं वुमेन्स टीम ने इतिहास रचते हुए 2002 में गोल्ड जीता था। फील्ड हॉकी 1998 से राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा रही है। इसमें ऑस्ट्रेलिया की पुरुष और महिला टीमों का दबदबा हमेशा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टीम ने 7 बार यानी कि 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 में गोल्ड मेडल जीते हैं। वहीं महिला टीम ने 4 बार गोल्ड मेडल और 1 बार सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय पुरुष टीम 2010, 14 और 2022 में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारकर सिल्वर मेडल जीती। वहीं भारतीय वुमेन्स टीम ने 2002 में गोल्ड मेडल जीता था। 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल 61 मेडल जीते थे, जिनमें से 22 गोल्ड मेडल थे। भारतीयों ने कुश्ती में 12, वेटलिफ्टिंग में 10, एथलेटिक्स में 8, मुक्केबाजी और टेबल टेनिस में 7-7 सबसे ज्यादा पदक जीते थे। इस कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम ने सिल्वर मेडल जीता था।